गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया विच नहीं जिसका कोई सानी, उस गुरु लसानी की गल करिए। 26 साल जिन्हें भोरे विच तप किया, उस ब्रह्म ज्ञानी की गल करिए। कीती गई जो चांदनी चौंक विच, उस पावन कुरबानी की गल करिए। 9वें पातशाही धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश उत्सव के इस शुभ मौके पर मैं आप जी नाल श्री गुरु तेग बहादुर जी बारे कुछ गल्लां सांझे करन जा रही हाँ। गुरु तेग बहादुर जी नानक ज्योत के रूप में 9वें गुरु सन। आप जी का जन्म श्री हरगोबिंद साहिब जी के घर माता नानकी जी की कुखों 1 अप्रैल 1921 ईस्वी को अमृतसर विखे होया। आप दा बचपन का नाम त्यागमल सी। बचपन विच आपने युद्ध विच भाग लै के अपनी तेग दे अजिहे जोहर विखाए कि आप त्यागमल तो तेग बहादुर बन गए। आप दा व्याह लालचंद दी पुत्री माता गुजरी जी नाल होया ते आप दे घर बाल गोबिंद राय जी दा जन्म होया। उधर दूजे पासे श्री हरकृष्ण जी ने अपने शिष्या नूं आदेश दे दिता कि उन्हां दा उत्तराधिकारी बाबा बकाला विखे मिलेंगे। उन्होंने किसी खास व्यक्ति का जिक्र नहीं किया सी ते ज्योति जोत समा गए। यह सुन के भाई सोढ़ी जाति दे लोग अपने आप नूं गुरु मान के गुरगद्दी दे मालक बन बैठे। पर मक्खन शाह लुमाणा जो कि एक व्यापारी सी, उसका जहाज समुद्री तूफान विच फस गया सी। उसने परमात्मा अगे फरियाद की जे मेरा जहाज सही सलामत समान समेत वापस आ गया तो वह गुरु जी अगे 500 सोने दिया मोहरां भेंट करेगा। पर जो उसका जहाज सही सलामत वापस आन मगरों वह बाबा बकाला विखे 500 सोने दिया मोहरां भेंट करन आया तो उसने बाकी 22 गुरुआं वाग गुरु जी अगे भी केवल 2 मोहरां ही रखियां। तो गुरु जी बोले तो असी तो 500 सोने दिया मोहरा देने का वचन दिता सी, तो हुण सिर्फ 2 मोहरां ही दे रहे हो। उस समय मक्खन शाह लुबाणा नूं होर कुछ ना सुझिया, वह उच्चे उच्चे रौला पाण लग गया, गुरु लादो रे गुरु लादो रे, भाव सच्चा गुरु मिल गया। गुरु तेग बहादुर जी नूं धर्म की चादर अते हिंद की चादर के नाम नालों भी जाणिया जाता है। कश्मीरी पंडित की शरण विच आउण करके ते हिंदू धर्म की रक्षा लई पुकारे जाण करके आपनूं तिलक चंजू दे राखे वजो भी जाणिया जाता है। गुरु साहिब दे वेले समय दी हुकूमत दा जबर जुलम जद जोरां ते पुज्या तां आप पिस रही हिंदू जनता दी पुकार उत्ते अगे आए। उस समय औरंगजेब ने आप नूं इस्लाम धर्म कबूल करन जां कोई करामा दिखाउण दी जिद कीती। उस समय आपने तिलक चंजू दी रखवाली लई अपनी कुरबानी दे दित्ती। यह समा सिखां लई बहुत दुख भरिया सी। आप दा इह महान बलिदान 11 नवंबर 1675 ईस्वी नूं होया। इस तरह आपने कुर्बानी दे के यह सिद्ध कर दिता कि खालसा शीश दे सकता है पर सिड़न नहीं दे सकता।